वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप और प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है और बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड। अब देखिए हमने स्पेस देने के लिए तीन फंदे उल्टे बुनने, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 फंदों में पैटर्न आएगा। तो देखिए 15 फंदों में से देखिए ये पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, ये दो फंदे हो गए धागा अपनी साइड। नेक्स्ट हमने दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं तो ये हमारे चार फंदे हो गए। नेक्स्ट फंदा सीधा धागा अपनी साइड, नेक्स्ट फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और देखिए एक फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। तो देखिए ये हमारा 15 फंदों में पैटर्न आ गया। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और 15, ये 15 फंदों में पैटर्न आ गया। अब धागा अपनी साइड रहेगा और देखिए जो स्पेस देने के लिए हमारे तीन फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, एक दो और तीन धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे। अब देखिए फ्रंट साइड से जो फंदे उल्टे आए हैं बैक साइड से सीधे आएंगे, एक दो तीन। अब देखिए नेक्स्ट फंदा भी फ्रंट साइड से उल्टा आया है तो बैक साइड से सीधा आएगा। ये देखिए धागा अपनी साइड, नेक्स्ट फंदा देखिए फ्रंट साइड से सीधा बैक साइड से उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड। अब देखिए जो फ्रंट साइड से हमने बिना बुना फंदा उतारा है इसको हमने बैक साइड से उल्टा बुन लेना है, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे चार फंदे सीधे आ जाएंगे, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। पूरे पैटर्न में बैक साइड से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और देखिए एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुने, ये हमारे स्पेस के फंदे हैं तीन। फिर देखिए नेक्स्ट हमने 15 फंदों को बुनना है, जो फंदे उल्टे हैं उल्टे बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनते हुए फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। ये सेंटर का फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है फ्रंट साइड से।
ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड से देखिए फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। इस तरह हम बैक साइड से अपने फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड। अब देखिए नेक्स्ट हमारे ये फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए जो सेंटर का फंदा है इसको हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर धागा अपनी साइड, जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे और जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे। इस तरह हम फ्रंट साइड से अपनी फिफ्थ रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और तीन। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नीडल की सहायता से देखिए हम यहाँ पे फंदे पलटा लेंगे। तो देखिए एक दो और तीन। ये देखिए थर्ड नीडल में हमने ये तीन फंदे उतारने हैं और इनको ऐसे बैक साइड की तरफ से ऐसे कर देंगे। और देखिए नेक्स्ट हमने तीन फंदे बुन लेने, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए जो सिलाई में देखिए तीसरी सिलाई में जो हमारे फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट नीडल में डाल देना है। ये देखिए फिर देखिए नेक्स्ट हमने ये फंदे एक एक करके बुन लेने, जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा ही बुनेंगे, धागा अपनी साइड, उल्टे फंदे को उल्टा ही बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा। ये देखिए धागा पीछे, नेक्स्ट फंदा हमने जो सेंटर का है इसको बिना बुने उतार लेना है, धागा अपनी साइड, नेक्स्ट फंदा उल्टा। फिर देखिए यहाँ पे हमने फंदे पलटा लेने हैं। तो देखिए एक दो और तीन, ये तीन फंदे हमने तीसरी सिलाई में उतार लिए। अब इनको आगे की साइड से पलटाएंगे। एक फंदा देखिए पहले पीछे के तीन फंदे बुन लेंगे तो एक फंदा उल्टा आ जाएगा। ये देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा
उल्टा आ जाएगा। अब देखिए जो तीसरी सिलाई में हमारे फंदे हैं इनको हम लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। और देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा आएगा, धागा पीछे, नेक्स्ट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, नेक्स्ट फंदा उल्टा। फिर देखिए ये स्पेस वाले हमारे तीन फंदे उल्टे आ जाते हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारे पैटर्न की 7th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 8th रो। अब 8th रो में देखिए जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बैक साइड से हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 9th रो। अब 9th रो में हमारे पैटर्न ने रिपीट होना है, तो देखिए रिपीट की 1 रो पहला फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुने। फिर देखिए नेक्स्ट 15 फंदों में हमारा पैटर्न आएगा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा। तो देखिए 15 फंदों में हमारा पैटर्न आ गया। अब धागा अपनी साइड, ये स्पेस वाले फंदे जो हमने बीच में स्पेस देने के लिए ये फंदे रखे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुन लें और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारे पैटर्न की 9th रो कंप्लीट हो गई। 9th रो में हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा था। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।